तो वेलकम बैक, आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 3, और इसका हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी हम करने जा रहे हैं, तो इसकी स्टेटमेंट क्लियर है कि हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स, हमें क्यूबॉइड्स गिवन है यहाँ पे, और हमने फाइंड करके दिखाना है इसका वॉल्यूम और दूसरी चीज़ इसका सरफेस एरिया। तो इन चीज़ों के मुतालिक, क्यूब क्यूबॉइड के मुतालिक मैं इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ कि ऐसी शेप जिसके सारे फेसेस स्क्वायर हों वो बेसिकली क्यूब कहलाती है, और ऐसी शेप जिसके सारे फेसेस रेक्टेंगल हों वो क्यूबॉइड कहलाती है। और इनके वॉल्यूम निकालने का मेथड होता है लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ क्रॉस हाइट, और अगर आपको इनका सरफेस एरिया निकालना पड़ जाए तो आप इसके सारे फेस का एरिया निकालते हैं सेपरेटली और उनको ऐड कर देते हैं, तो इसका सरफेस एरिया निकल आता है। इसके अलावा आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करवाएं, लेंथ और हाइट को, बेस और हाइट को, और इन सब को 2 times कर दें और प्लस कर दें तो भी सरफेस एरिया निकल आता है। तो ये दोनों चीज़ें अभी हम यहाँ पर देखेंगे हम किस तरीके से निकाल रहे हैं। तो पार्ट नंबर सी, आपके पास एक क्यूबॉइड है जिसमें लेंथ 120 mm है, विड्थ 10 mm है और हाइट 96 mm गिवन है। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैं इसको लिख चुका हूँ बोर्ड के ऊपर, तो मैं इसको नेम कर देता हूँ कि मेरे पास लेंथ जो है लेट से वो है 120 mm, और जो विड्थ कह लें आप यहाँ पे मेरे पास है, या आप इसको बेस कह लें या ब्रेड्थ कह लें आप इसको, दोनों ही की मीनिंग सेम ही है। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 10 mm, और जो इसकी हाइट है वो हम कह लेंगे इसको 96 mm। लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है और हाइट इतनी है। तो सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको जस्ट करना पड़ता है लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ क्रॉस हाइट, इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है, ये फार्मूला है। यानी आपने 120 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद 96 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये तीनों चीज़ें मिलीमीटर में हैं, तो वॉल्यूम भी मिलीमीटर क्यूब यानी क्यूबिक मिलीमीटर बेसिकली बनेगा वो। तो आइए हम पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 96 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 115200, और क्योंकि तीनों चीज़ें मिलीमीटर में थी और वॉल्यूम है तो आप इसको लिखेंगे मिलीमीटर क्यूब। तो ये हमने निकाल लिया इसका वॉल्यूम। अब बारी है सरफेस एरिया की, वो भी यहीं पे निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। तो सरफेस एरिया का मतलब होता है कि जो आपके पास शेप गिवन है इसके सारे फेस का एरिया फाइंड आउट करें और उसको ऐड कर दें। तो हमारे पास एक जनरल फार्मूला है जिसकी मदद से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। वो फार्मूला ये है कि आप 2 times करें लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ का, इसमें ऐड कर दें आप लेंथ क्रॉस हाइट, और इसमें आप ऐड कर दें बेस क्रॉस हाइट। यानी आप इन सब चीज़ों को ऐड करें और इसका 2 times कर दें। 2 times इस वजह से करते हैं क्योंकि क्यूबॉइड में हर शेप के 2 faces होते हैं, मतलब लेट से अगर ये आपका फ्रंट वाला फेस है तो इसी जैसा फेस इसके बैक पे मौजूद होगा, ये राइट वाला फेस है तो इसी जैसा फेस इसके लेफ्ट पे मौजूद होगा। तो हर चीज़ 2 times होती है, हर फेस 2 times आता है, तो इसलिए उनका एरिया भी 2 times हम करके निकालते हैं। तो यहाँ पर जस्ट मुझे वैल्यूज पुट करनी है 2, वैसे ही लेंथ मेरे पास 120 है, ब्रेड्थ मेरे पास 10 है, प्लस लेंथ मेरे पास 120 है और हाइट मेरे पास 96 है, प्लस और बेस मेरे पास, या बेस कह रहा हूँ सॉरी, ब्रेड्थ मेरे पास 10 है और हाइट मेरे पास 96 है। इन सबको सॉल्व करके मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो कर लेता हूँ मैं सॉल्व। तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 27360, और ये एरिया है तो ये मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये मैंने इसका निकाल लिया सरफेस एरिया, और ये मैंने निकाल लिया इसका वॉल्यूम, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था।